ये है अदानी स्टॉक्स के हाल। सारे के सारे जो 7 स्टॉक है उनमें बहुत गंदी वाली गिरावट आ रही है, लगभग 20-20% अपने लोअर सर्किट पे। ये देख रहे हैं, ये सारे सारे लोअर सर्किट पे काम कर रहे हैं। जैसे अदानी ग्रीन है, अदानी अदानी पोर्ट ने लोअर सर्किट नहीं मारा है, क्योंकि अदानी पोर्ट और अदानी इंटरप्राइज ये फ्यूचर एंड ऑप्शन से ट्रेड होते हैं, तो इनमें लोअर सर्किट डिफाइंड नहीं होता है। बाकी सब में आप देखेंगे तो लोअर सर्किट मार चुका है। इसका मेन रीजन जो है ना, वो मैंने दिखाया हुआ है, जो रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की, उसके कारण ये सारा का सारा खेल हो रहा है। इवन एसीसी एंड अंबुजा जो इनकी अंदर में आ रही है अभी, इन्होंने जिसमें परचेज किया अपना स्टेक, वो भी बुरी तरह से पिट रही है। एक में 14% का लो मारा हुआ है, एक में 18% का लो मारा हुआ है। और यह है अदानी का रिस्पॉन्स। अदानी ने पहले भी एक रिस्पॉन्स दिया था, अभी फिर से एक रिस्पॉन्स दिया है, और इन्होंने क्लियरली कहा है तुमको छोड़ेंगे नहीं। क्लियरली इन्होंने लिखा है कि ये मिसचीवियस है और एकदम मिसलीडिंग है, और इन्होंने बिल्कुल कहा है कि इंडिया और यूएस दोनों जगह इन पर एक्शन लिया जाएगा, इन पर दोनों जगह हम एक्शन करेंगे, कार्रवाई करेंगे। और इसके खिलाफ फिर से एक इन्होंने रिस्पॉन्स छोड़ा है। हिंडनबर्ग ने क्या रिस्पॉन्स दिया है, इन्होंने कहा है कि 36 आवर्स पास हो गए, लेकिन उन्होंने हमारे 88 क्वेश्चन थे उनका आंसर नहीं दिया। अदानी ग्रुप ने 106 पेज की, हमने रिसर्च करने के बाद में 106 पेज की रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट के बारे में जानना है तो मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे लिंक मैं दे देता हूँ, उसमें आप जाके देख सकते हैं। और इन्होंने कहा है कि रिगार्डिंग द कंपनीज थ्रेट टू लीगल एक्शन टू बी क्लियर, वी वुड वेलकम, हम लोग इसको वेलकम करते हैं, हम लोग इसके खिलाफ खड़े रहेंगे। वी फुल्ली स्टैंड बाई अवर रिपोर्ट एंड बिलीव एनी लीगल एक्शन टेकन अगेंस्ट अस वुड बी मेरिटलेस, इट शुड ऑल्सो फाइल सूट इन यूएस। और ये कह रहे हैं सीरियस हो तो यूएस में भी आप हमारे खिलाफ फाइल कर देना केस, तो हम पूरा का पूरा दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, और हमारे पास पूरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है प्रूफ करने के लिए। और अदानी ग्रुप ने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है, जब तक तोड़ेंगे नहीं इनको छोड़ेंगे नहीं। अब देखना यह है कि आगे जाके क्या होता है, इसमें क्या एक्शन लिया जाता है, कोर्ट का क्या फैसला आता है, क्या ये रिपोर्ट सही है या गलत है, वो पूरी पूरी जानकारी आपको बाद में मिलेगी। और अदानी ग्रुप ने बिल्कुल एक चीज क्लियर कर दिया है कि इन्होंने अपने फायदे के लिए ये रिपोर्ट पब्लिश की है, ताकि इन्होंने जो शॉर्ट सेल किया हुआ है ना अपनी पोजीशन को, उसमें ये मोटा मुनाफा करकर निकल सकें।